नमस्कार, पियोंदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फार्म पे जैसा कि आप कुछ समय से वीडियो में और ये फोटोज़ के थ्रू देख रहे हैं कि अपने यहाँ एम्ब्रायो के बच्चे आए हैं, और कई लोग का रिक्वेस्ट था कि एम्ब्रायो का जो है आप बताइए क्या रिज़ल्ट रहा। तो हम कहेंगे इधर ये दोनों बच्चा दिखा दो, यही दोनों हैं अभी जो आया है, एक और है लाइनअप में जो अब कल परसों तरसों जब दे दे 26 तारीख तक उसका डेट है। इन लोगों का भी 26 तारीख का ही डेट था, लेकिन ये थोड़ा दोनों पहले बच्चा आया है। तो ये जो है जर्सी जो है अपनी, ये करीब करीब 30-31 किलो की है, और इसका बाप विजय नेवाली है, और जो अपना ये है वो ये है, ये 55 केजी का पैदा हुआ है, इसका वेट 55 किलो, और इन दोनों को ही थाइलेरिया हुआ है। इधर दिखाओ, मेरे साइड दिखाओ, इन दोनों को ही थाइलेरिया हुआ है, थाइलेरिया का इंजेक्शन पड़ गया है और रिकवरी है। सबसे बड़ी बात है कि गाय दूध पीना नहीं छोड़ी है। गाय जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है ना, तब उसको रिकवर कराने में काफ़ी मुश्किल आ जाता है, लेकिन ये दोनों का सबसे बढ़िया है कि ये अभी 5 दिन की है, 3-3.5 लीटर दूध ये ले रही है, 4 लीटर के बाद भी ये जो है बच्चा, ये बच्चा कहता है कि और दूध दो, मांगते ही रह जाता है थोड़ी देर पर। और अभी इसका शुरुआत में पॉटी थोड़ा सा खराब आया था, बट अभी इसका पॉटी सही हो गया है, तो स्वस्थ होने की ओर चल पड़े हैं दोनों, लेकिन अभी भी रिस्क पॉइंट है। लोग बोलता है ना कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो एक इस कारण से भी अब नज़र गुजर का हम तो बहुत नहीं मानते हैं, लेकिन लगता है कि नज़र गुजर की कुछ कहानियाँ हैं ऐसे। बाकी फार्म वाले को हम बोलेंगे, जो भी फार्म के हैं, जो भी फार्म किए हुए हैं और जिनके यहाँ, देखिए किस तरीके का अभी गोबर है इसका, मतलब गोबर ठीक है, पहले जैसा स्थिति नहीं है गोबर का, पहले इसमें खून आ रहा था, रेबी डायरिया का भी केस हो गया था, थाइलेरिया भी हो गया था। तो खैर अभी तो हम लोग रिकवर करा लिए हैं दोनों को, ये भी रिकवर्ड है और वो भी, मैंने चंचल चुलबुल है, उसको बुटालेक्स का इंजेक्शन लगेगा, अभी लगा नहीं है, अभी 2-3 दिन से ही उसका फीवर 103.4 के करीब है, तो अभी फीवर शांत करके इसको बुटालेक्स का इंजेक्शन हम लोग देंगे 1.5-2 ml के करीब। तो ये तो हो गई लोगों की बात, अब बात करते हैं हम कि फार्म में और भी काबिल हुई है, जैसे वो 28 नंबर अपनी एबीएसएस पाई की थी, उसने अर्माडा का बच्चा दिया है, उसका बच्चा 27-28 किलो का मात्र, अब पता नहीं क्यों है, क्योंकि उसको दूध भी हम लोग 70 दिन पहले सुखा दिए थे। हाँ, दूध सुखाने के दौरान उसका दाना कुछ ज़्यादा ही कम हम लोग कर दिए थे, 3-4 किलो पे लाए थे, तो हो सकता है वो रीज़न रहा हो, बट उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, उस गाय पे कहीं शक नहीं है कि वो गाय दूध नहीं देगी, थोड़ी दुबली है, लेकिन इसका BCS हम लोग मेंटेन कर लेंगे आगे, क्योंकि एक तो जिस समय उसको ड्राई किए उस समय वो 19-20 लीटर से ऊपर दूध कर रही थी, तो मान लीजिए 20 लीटर दूध कोई कर रही है वो गाय, तो उसको जो है ड्राई करने में मुश्किल आता है। और अगर बच्चियों की बात करते हैं कि कितनी बच्ची आ गई फार्म पे अभी तक, तो अभी तक कुल मिला करके 5 बच्ची आई हैं, जिसमें 2 अपनी एम्ब्रियो वाली हैं, एक का पता है कि एक के नाना मिलर पी थे और परनाना अपलाउज हैं, और जो बाप हैं वो बेंजोपी हैं, और एक जो है विजय नेपाली और गोदरेज फार्म की 206 नंबर काऊ है, उसके जेनेटिक्स का अभी पता नहीं हमको दिया गया है, वो हम पूछे हैं जो हमको बताएंगे, उसकी बछिया है। और उधर बात करें तो एक जो है वो स्पाइक, मतलब एक का नाना स्पाइक है और बाप अर्माडा है, और वो आया है। उसके अलावा एक 40-116 की बछिया आई है जो हमारी 9 नंबर सबसे बड़ी गाय है उसके साथ, और प्लस एक जो है ये साहिवाल की बेटी है अपनी, जो कि बायफ के करीम की है। अच्छा ये देखिए, ये 16 नंबर को, ये जो है 16 नवंबर को बच्चा देने वाली है, थन बाट इसका फिर से दिखा दो, ये अभी तक सेल नहीं हुई है। अगर गाय बच्चा दे देगी, बछिया दे देगी, तो बछिया ही देगी, चूँकि इसमें हम लोग लगाए ही हुए हैं बछिया का सीमन, लेकिन कहने का मतलब है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया पाला हुआ, जो भी देसी गाय पे काम कर रहे हैं उनको ABS बादल का, इसका बाप ABS बादल था, इसके नीचे जो बच्चा आ रहा है वो बायफ करीम है, तो क्वालिटी वाइज तो ये बहुत अच्छी गाय है। कोई भी अपना आ करके देखिए, 2-4 दिन रह करके इसको देख करके उसके बाद यहाँ से लेके जाइए, कोई समस्या हम लोगों को उसमें नहीं है। और एक बात बता देते हैं, ABS बादल का रिजल्ट KGAG नरवीर से बेहतर है, नरवीर की जो बछिया है ये, इससे इसकी क्वालिटी बेटर है,
इसमें सिर्फ हम्प आपको बड़ा दिखेगा, इसका हम्प थोड़ा छोटा है, अदरवाइज क्वालिटी वाइज एवीएस बादल का बच्चा जल्दी बड़ा हुआ है नरवीर से। इसको ये पौने 3 साल में बच्चा दी है, ये 2.25 साल में बच्चा देने जा रही है, 2.5 साल में, 19 महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये तो चीज़ें हैं जो मतलब हम आपको एक जानकारी दे दिए। अब फोकस करते हैं कि क्या मतलब अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है फार्म्स का। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो काविंग करते समय बछिया और गाय दोनों को थाइलेरोसिस का हो जाना। तो अब थाइलेरोसिस अगर हो रहा है तो उसके केस में अगर आपके फार्म पे 10-20 गाय हैं, 10-20 जानवर हैं, तो आप एक काम कीजिए कि कम से कम आप फार्म पे बूटालेक्स का इंजेक्शन ज़रूर रखिए, और जहाँ भी फीवर नहीं टूट रहा है, हफनी है, लिप नोड में जो है सूजन है या आपको लग रहा है, तो तुरंत ब्लड सैंपल पटना में भेजिए, जाँच कराइए और उसको बूटालेक्स का इंजेक्शन लगाइए। अदरवाइज़ क्या है कि सारा पूरे साल का मेहनत आपका, अगर एक बछिया मर गया तो साल भर की मेहनत ले गई आपका, है ना। इसको ये नहीं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, एडिशनल एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरीके से आपका बच्चे को बचाने की कीमत है जो आपको चुकानी है। और इतना तो मतलब आपको बनता है कि आप मतलब इतना महंगा बच्चा पैदा कर रहे हैं, अगर 1500-2000 रुपये का भी सीमन है तो उस पर 2000 रुपये इलाज पे आपको खर्च करने पड़ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको करने से ही चकिएगा नहीं। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी अगर बछिया मर गई तो आपका फार्म कम से कम 1 साल का आपका जो पैसा गया वो तो गया ही, आप कम से कम 2 से 2.5 साल पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए बछिया को बचाने के लिए बूटालेक्स वगैरह का जो इंजेक्शन है वो अपने पास पहले से मंगा करके रखिए, और जो भी बछिया हो रही है उसका ब्लड टेस्ट जरूर अभी कराइए, क्योंकि थाइलेरोसिस में कई बार है कि आपको लक्षण कुछ नहीं मिलेगा और अंदर अंदर थाइलेरोसिस होगा और अचानक से एक दिन विकराल रूप लेगा और बछिया पलट जाएगी। तो ये जो चीज़ है इससे बचने का प्रयास करना है आपको। हम लोग के यहाँ भी जैसे इतनी बढ़िया इतनी हेवी है इसलिए वो दूध इतना पी रही है थाइलेरोसिस में भी, अदरवाइज़ यहाँ तो दूध तक छोड़ देती हैं गायें बछिया। ये आपको करना है, इसमें कहीं जो है शक मत रखिएगा कि जो जाँच है उसको न कराएँ। पटना में एक व्यक्ति हैं, उनका नंबर हम आगे कभी फिर दूसरा वीडियो बनाए तो उसमें दे देंगे। तो यही चीज़ था, परेशानी ऐसी कुछ हम लोगों को ही नहीं रहती है कि वीडियो बनाना, बस ये है कि फार्म पे आना थोड़ा कम है अभी, तो हमेशा फार्म पे बन नहीं पाता है वीडियो। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो जैसी हैं वैसी हैं ही, उसके बारे में और क्या ही कहा जा सकता है। तो कुल मिला करके सारी बात हम इसमें आज बता दिए हैं, आपको बता दी कि क्या समस्या इस समय आ रही है, उसी तरीके से उसको ट्रीट कीजिए। और कोशिश में है हम लोग कि फाइलेरिया का वैक्सीन भी जो है जुगत लगाया जा सके, जुगाड़ लगाया जा सके। ज़रा गिर भी दिखा दो भाई, बहुत लोग पूछते हैं कि गिर का क्या प्रोग्रेशन है। तो दोनों गिर देखिए खूब बढ़िया जो है डेवलप कर रही है, थोड़ा लात वात चलाती है तो हम थोड़ा दूर रहते हैं इन दोनों से, इन सब का अभी हैबिट हुआ नहीं। मारती है ये वाली? हाँ मारेगी ना, मारती नहीं। यही कंडीशन है जिस सिंह दिखा रही है अब हमको, बताइए साहब। कारवां देख लीजिए बहुत बढ़िया है, मोरली की बच्ची है और बढ़िया सीमन से प्रेग्नेंट भी है। ए! तो बड़ा दूर भगा रही है, बहुत गंदी है ये साहब। ये हमारे यहाँ का पैदा बच्चा है, शांत है, पहचानता है हमारी आवाज़। और सबसे बड़ा बात है ना कि इसकी इसका जो है मेरा बेटा इसका बड़ा फैन है, हमारा बेटा इसी का दूध पीता है, साहिवाल का। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।